এই বাপু, তুমি পড়বে কি পড়বে না? হ্যাঁ তুমি তো দেখছি আজকাল মানে ব্রোকার হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। হ্যাঁ, কমিশন এজেন্টের মতো কাজ করছো দেখছি সারাক্ষণ। বলছে নিলে ওর ব্রোকারের জেনারেট হবে তো? ব্রোকার ব্রোকাররা তো সাথে নিতেই বলে, স্যার এটা নিয়ে নিন, ওটা নিয়ে নিন। কেন নিন এটা ব্রোকার বলে না? क्या रीजन बोलेगा वो? 2 मिनट सर, इसमें होगा, आपका पैसा आएगा, और क्या बोलेगा। सर अच्छा आप एक रिकॉर्ड। हाँ बोलो सर। आप एक एडवाइजरी फॉर्म खोल लीजिए ना। एडवाइजरी फॉर्म खोल लेंगे क्यों? ये काफी नहीं हो रहा है? वो भी रहेगा, अच्छा रहेगा। क्यों, ये इसमें कुछ खराब चल रहा है क्या? नहीं, वो भी रहेगा। ठीक है, अभी जितना चल रहा है चलने दो, जैसे जैसे सिचुएशन आएगा करेंगे, क्या दिक्कत। सब्सक्रिप्शन रहेगा। सब्सक्रिप्शन? अच्छा ले लो आप लोग सब्सक्रिप्शन। नहीं, आप सब्सक्रिप्शन बनाइएगा। हाँ हाँ मैं समझ गया। मॉर्निंग यहीं पर बैठता है, इतना सारा बेंच है उसमें नहीं बैठ सकते। लोगों को उठा के इसको बैठने, फांका है पूरा बेंच है, ये। चलो क्लास स्टार्ट, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, मुझे क्लास स्टार्ट करने दो। मार्केट देखो सर, मार्केट देखो, नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। रोज ये जब भी मैं क्लास ओपन करता हूँ एक अपॉर्चुनिटी आता है। देखो आज 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 लक साथ देता है कि नहीं देखो, आई थिंक आज भी देगा। अच्छा निफ्टी 50 का दर्शन कर लो एक बार, मेरा फेवरेट है। आज मैं थोड़ा लेट हूं ना, इसलिए थोड़ा सा नहीं दी। अच्छा देखो मार्केट कहां से कहां था, फिर एनालिसिस देखते हैं पहले, उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। मार्केट कल का एनालिसिस क्या था सर? कल का अगर आप लोग ग्रुप में चेक करो, कल का जो दिया गया था उसमें ये बोला गया था कि मार्केट अप्रोक्स अपर साइड में 25,000 तक का रेजिस्टेंस दिख रहा है, 24,925, और लोअर साइड में सपोर्ट जोन जो बना रहा था अराउंड 24,500 है ना, 24,500 आई थिंक आप लोगों को याद है। कल कौन सा डेट था? 22 तारीख ना। देखो सर, कल हम लोग जब क्लास कर रहे थे ये अराउंड 10:30 बजे, इस पॉइंट में बहुत अच्छा मौका बना था है ना, बाइंग जोन बना था। कल रजत जी ने इस टाइम पे बाई भी किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन रजत जी। रजत जी एकदम छुपा रास्ता निकल गया, एकदम बैठे बैठे कर रहा है, जिस टाइम पे बाई बोला उसी टाइम पे लिया है, और फिर बाद में 700-800 जो हुआ था, हाँ वो नहीं उनका इनकम भी हुआ है, वो अच्छा पॉइंट पे क्लोज भी किया है। अच्छा देखो, अच्छा उसके बाद एक चीज देखो, उस पॉइंट के बाद मैंने उस क्लास जब कंप्लीट हो रहा था उस पॉइंट पे एक चीज बोला कि अगर ये इस पॉइंट से 700 को क्रॉस करके आगे बढ़ता है, 700 750 को क्रॉस करता है तो ठीक है, अगर कोई मोमेंटम उनको फारदार नहीं मिलता है ठीक है तो फिर मार्केट नीचे ही आएगा। अगर ऊपर साइड में कोई मोमेंटम नहीं है वो ज्यादा वेट नहीं करेगा, वो फर्स्टेट होगा और नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, ये नहीं बोला था। और कल के कल का क्लास का सारा दिन एक ही बात चल रहा है कि मार्केट वीक जोन में है, स्ट्रांग जोन में नहीं है। इसके पीछे का रीजन भी बार बार बोला जा रहा था कि यूएस में इलेक्शंस अपकमिंग है, सर पे मंडरा रहा है, तो यूएस का इलेक्शंस मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है सर। तो यूएस इलेक्शंस जब तक कंप्लीट नहीं होता, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी जीते चाहे कमला हैरिस जीते ठीक है, मैंने जो बाइडेन का जो ये है कोई भी जीते, अल्टीमेटली एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का वोट एक सर्टेनिटी देगा मार्केट का अगेन डिरेक्शन पाने में ठीक है। ऑब्वियसली ट्रंप जीतने से मार्केट को ज्यादा पसंद आएगा कंपेयर टू हैरिस, मार्केट को ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन अमेरिका का लोग सर सिर्फ मार्केट ओरिएंटेड नहीं होता है, वहां पर लोग और भी अलग तरीके से सोचते हैं। जो बाइडेन तो और इलेक्शन में नहीं लड़ रहा है सर, उसका उम्र हो गया है ठीक है, इसलिए वो कमला हैरिस को दिया है। कमला हैरिस एक इंडियन ओरिजिन का ही है बट फुल्ली अमेरिकन है। नहीं अगर आप मुझे भी पूछोगे मैं भी चाहूंगा कि ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप का एक चीज क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, वो थोड़ा एग्रेसिव है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हैं, एग्रेसिव माने इकोनॉमिक एग्रेसिव है उसका, माने वो डिसीजन जल्दी लेना पसंद करता है। कभी कभी उसके डिसीजन के कारण हो सकता है कि मार्केट डूब जाए,
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ठीक है, लेकिन उसका दो तीन चीजें मेरे को बहुत पॉजिटिव लगता है। एक, डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के साथ रिलेशन, स्पेशली मोदी के साथ, ठीक है, ट्रंप के साथ मोदी का रिलेशन अच्छा है, पुतिन के साथ भी ट्रंप का रिलेशन अच्छा है, ये बहुत बड़ी बात है। रशिया के साथ जो अमेरिका का हमेशा एक झगड़ा चलता है, पुतिन के साथ ट्रंप का रिलेशन अच्छा है, इसलिए रशिया अमेरिका का जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है, जो पहले भी एक बार देखा गया था। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होने के लिए मेरे हिसाब से ट्रंप अगर जीते तो मैं मेरा सपोर्ट ट्रंप की तरफ रहेगा, बाहर से, अंदर से तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये अपकमिंग 5 तारीख, आई थिंक 4 तारीख या 5 तारीख को अमेरिका में शायद रिजल्ट आउट होने वाले, आप लोग थोड़ा कन्फर्म करो। हाँ, 5 तारीख, तो 5 तारीख रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद उसका बजट आएगा, क्योंकि वो लोग भी तो अपना एक बजट तो टाइम लेके मोटा मोटी 15-20 दिन में तो आ जाएगा सर, दिसंबर तक तो आ ही जाएगा ना, ठीक है, नवंबर के एंड पे आ ही जाएगा। यहाँ पर भी तो वही था, जून में हुआ, जुलाई में बजट आया, अगस्त, एक महीना देरी हो गया। नॉर्मली जुलाई में ही आना था बट देरी हुआ थोड़ा सा। अब अमेरिकन देखो कितना दिन में बजट बनाते हैं, तो क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है ना, ऑलरेडी क्राइसिस जोन में है ये लोग, तो कहीं ना कहीं अमेरिका थोड़ा सा चिंता करेगा। तो ये करंट मार्केट में दो रीजंस है जो मार्केट को ऊपर जाने में रोक रहा है। एक, यूएस का इलेक्शन, दिमाग में रख लो सर, बहुत लोग ना मेरे को पूछ रहे सर सर मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। सर मैं रोज बोल रहा हूँ, 3 दिन से 4 दिन से बोले जा रहा हूँ, है ना, कि क्यों नीचे जा रहा है, रीजन क्या है। तो यूएस का इलेक्शन, और सेकेंड पॉइंट है ये इसराइल और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और फिर से बढ़ गया है। क्या बात वो, उसके बाद कल फिर से तो 2-3 दिन से गाजा में फिर से अटक किया है, तो भाई कहीं पर भी वो, ठीक है, कहीं पर भी अटक, ये वार सिचुएशन जब तक थोड़ा कंट्रोल में नहीं आ रहा है तब तक बात तो नहीं बनेगा ना सर। ईरान सर, गाजा जो है ना वो ईरान के सपोर्ट में चल रहा है, लेबानन भी ईरान के सपोर्ट में ही चल रहा है, सारे के सारे ईरान के सपोर्ट में ही है। अभी ईरान डायरेक्ट, पहले तो डायरेक्ट नहीं था, अभी डायरेक्टली ईरान आ गया। तो जब तक ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस प्रॉपरली कोई दिशा नहीं मिलता है तब तक एक प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अमेरिकन रिजल्ट आ जाए तो ये एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। एक क्या चीज हुआ है देखो, लास्ट अभी तक तुम लोग एक चीज दिखा देते हैं, अगर तुम डिस्कवर करते हो, ये देखो, ए बापू तुम्हें पोर्सो ना खेल पेचन में बैठी दो, एकदम पेचन करो। FIDI की एक्टिविटी देखो सर, बहुत वाइटल एक पॉइंट है, कल भी फिर से 3,978 करोड़ कल सेल किया है। एक चीज आप ख्याल करो, मार्केट का गिरना क्यों तय है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट क्यों नेगेटिव है, ये चीज ऐसा नहीं कि मैं नया बता रहा हूँ आपको, नया तो नहीं बता रहे ना सर, कोई न्यू थिंग नहीं बता रहा हूँ मैं कम से कम 15-20 दिन से बोले जा रहा हूँ कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकता है, बट आने के पीछे के रीजंस भी ये रीजंस है, ठीक है। तो इसमें देखो 3,978 करोड़ का FII ने निकाला, बट एक चीज अच्छा है कि मार्केट को बहुत जोर का गिरने से, मैंने नॉन का जो थॉट प्रोसेस है कि 23,500 में आ जाएगा, अगर इसमें DII भी सेल करता तो 23,500 में बिल्कुल आ जाता, ठीक है, क्योंकि देखो उल्टा हुआ है यहाँ पर, ये 3,500 करोड़ में अगर बाई किया है, सेल किया है FII ने, तो DII ने अप्रोक्स 5,800 करोड़ बाई किया है, तो कहीं ना कहीं DII का ये जो स्ट्रेंथ है, इसके साथ रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी है, तो कहीं ना कहीं इन लोग मिलके क्या कर रहे हैं सर, बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है, माने मार्केट को एकदम मूकेबल, स्टेबल नहीं बोलेंगे, मूकेबल गिरने से बचा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि FII, देखो FII DII के पास बड़ा अमाउंट परचेस करने के लिए हमेशा नहीं नहीं पैसा है, बट तुम बड़ा अमाउंट परचेस करोगे उसके लिए तो तुमको उल्टा साइड में सेलर चाहिए ना, तो उल्टा साइड में सेलर कौन है, जो मार्केट का, तो देखो मार्केट का कैपिटलाइजेशन एक फिक्स्ड है, ये मार्केट कैसे चलता है, इसका साइकोलॉजी, इसके पीछे का कैपिटल कंस्ट्रक्शन क्या है, आप लोग बोल सकते हो मुझे, मार्केट के अंदर ये कैपिटल सर्कुलेशन कैसे होते हैं,
सर जितना कंपनी मार्केट में लिस्टेड है ना, उन सबका एक फ्री फ्लोट कैपिटल होता है, जो फ्री फ्लोट कैपिटल बाई सेल करने के लिए ये लोग उपलब्ध करता है। कौन? कंपनी। इनका सारा कैपिटल मिलके ही मार्केट का एक कंप्लीट कैपिटल है जिसमें हम लोग फ्री बाई सेल कर सकते हैं। अब कभी मेरे पास कुछ शेयर है, कभी आपके पास कुछ शेयर है, ठीक है, और कुछ शेयर फ्री भी है, अभी भी मार्केट से खरीदा जा सकता है। तो ये जो खरीदने का बात हो रहा है, ये कौन किसको खरीदेगा? उल्टा साइड में बायर होगा वो सेलर को देगा, सेलर होगा तो वो बायर को देगा। तो DII जैसे बड़े अमाउंट खरीद रहा है, खरीदेगा तो वो किससे खरीदेगा? FII से खरीदेगा, या फिर FII अगर खरीदेगा तो किससे खरीदेगा? अब यहाँ पर एक चीज देखो, DII अभी बाई कर रहे है ना, जब FII का एंट्री होगा फिर से, तो फिर क्या होगा? DII सेल करेगा और FII फिर से एंट्री करेगा, तो इनके बीच में ये बैलेंस जो है ये बना रहेगा। कभी ये खुद भी कमाता, ये भी कमाता है, वो भी कमाता है। सर ये जो लाइन क्या था? कौन सा? पर्पल कलर का लाइन, ये वाला। ये लाइन तो इसी चीज को बता रहे ना सर, कि किस तरह से पैसा का फ्लो चेंज हो रहा है। मैंने ओवरऑल सिचुएशंस को दिखा रहा है कि कहां कहां से आपका पैसा। हाँ नहीं नहीं ये तो आप स्टॉक्स तक दिखा रहा है, आप स्टॉक्स इसका ग्राफिकल चार्ट बना के दिखा रहा है, तो निफ्टी जब जब FII का पैसा एंट्री हुआ है, देखो यहाँ पर FII कितना पैसा एंट्री किया था, 13-14-15 हजार करोड़ अप्रोक्स है ना। तो 13-14 हजार करोड़ जब पैसा इधर एंट्री हुआ था, इस टाइम पे मार्केट में ग्रोथ देखो, निफ्टी 26,300 पे चला गया था, ठीक है। तो जब से FII का एंट्री धीरे धीरे कम हुआ है, उसके बाद से मार्केट भी धीरे 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 गिरने लगा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक साइकोलॉजी, ठीक है। तुम एक चीज देखो, ये 15,000 करोड़ या 14,000 करोड़ के बाद FII का एंट्री ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 19-20 सितंबर के बाद से। तो जब से ये लोग ऑलमोस्ट ना के बराबर हुआ है ना, तो मार्केट धीरे 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 गिरने का कगार में है। तो ये जो FII का, अच्छा ये सिचुएशंस क्या था, अगर आप लोग 20 सितंबर के टाइम पे क्लास में थे, आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम पीरियड में अमेरिका वाला प्रॉब्लम इतना नहीं था, मैंने जो वोटिंग वाला प्रॉब्लम है उस टाइम पे इंडियन मार्केट पे ओवर वैल्यूएशंस, वार सिचुएशंस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के चाइना मार्केट में पुट करना। FII वाले क्या किया था, एटलीस्ट 50% पैसा निकाला, मैंने 100% जितना निकाला है उसमें से 50% चाइना में डाला। उस टाइम पे अगर आप चाइना स्टॉक मार्केट को चेक करो, चाइना स्टॉक मार्केट सेम पीरियड में, जो मैं 20-22 का बात कर रहा हूँ, सेम पीरियड में वो बुल हुआ है। और उस टाइम पे चाइना ने 5% ग्रोथ का टारगेट लेके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टारगेट लेके अपना इकोनॉमी में डिसीजन लिया था, चाइनी का मैंने वहां का जो सेंट्रल बैंक है। तो ये सब चीजें ट्रिगर करता है और ये लगातार सिचुएशंस मार्केट में बियरिशनेस क्रिएट करता है। तो ये रीजंस आपको समझना पड़ेगा। और अभी FII इंडियन मार्केट में पैसा नहीं डालेगा, इंडिया के क्यों, कहीं पर भी प्रॉपरली नहीं डालेगा जहां पर उसको प्रॉपर श्योरिटी नहीं मिलेगा। जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, अब ये लोग थोड़ा अनसर्टेनिटी में रहेगा, और जितना मार्केट बचा रहेगा ये सिर्फ इंडियन मनी में ही बचा रहेगा, मैंने DII एंड रिटेल्स। तो जो बुलिशनेस आपको देखने को मिला था वो बुलिशनेस फिलहाल तो नहीं है, बट ऑब्वियसली अमेरिका के रिजल्ट्स के बाद वहां का कुछ RBI का, वहां का जो सेंट्रल बैंक है उनका कुछ अगर डिसीजन मेकिंग आता है फर्दर रेट कट का, इन द मीन टाइम इंडिया में भी एक फर्दर रेट कट के बारे में बात हो रहा है। अगर इंडिया भी रेट कट करता है, सारा चीज जब देखो, जब नेगेटिविटी पीछे पड़ता है सब नेगेटिविटी एक साथ पड़ जाता है, जब पॉजिटिविटी पीछे पड़ता है तो सारा पॉजिटिविटी पीछे पड़ता है। एक टिप्स दे रहा हूं आप लोग, नेगेटिव मार्केट को देख के ना मन खराब मत करो, उल्टा पैसा लेके रेडी रहो सही टाइम पे एंट्री करने का। रोज कुछ 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 करने से ना अच्छा है, हम लोग बंगाली में एक कहावत होता है, सैकड़ा टुक ठाक कामारेर एक घा, सुना है किसी ने? जो बंगाली है वो समझ सकता है, सैकड़ा माने बेसिकली जो सोनार होता है, डोंट माइंड ना, ठीक है सैकड़ा माने सोनार जो होते हैं वो ऐसे छोटा, सौ सोनार के एक लोहार, ठीक है वही चीज है। तो सैकड़ा ठुकता कामरे रहता, तो तुम छोटा रोज छोटे 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 क्यों करोगे, सही टाइम आने से बड़ा बार करो और आपका मार्केट में बहुत चीज आएगा। लेकिन एक चीज है, रेगुलर मार्केट से मुंह मत फिराओ,
मार्केट में बने रहो, ये मार्केट ऑब्वियसली रिट्रेस बैक करेगा, 100% करेगा। जिस दिन रिटर्न मिल जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा। मैं आपको इकोनॉमिक न्यूज बताता रहता हूँ डेली बेसिस पे, और आप लोग को इस चीज के साथ मैं ऑलवेज एक एडेप्टेबिलिटी भी देता हूँ कि आप लोग ऑलवेज इकोनॉमिक सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करो। जिस दिन ये चीज चेंज होगा ऑटोमेटिकली आपका मार्केट में बुलिशनेस आएगा और जितना पैसा है डाल देगा और समझ में आ जाएगा सर। अगर पहला दिन नहीं आता है तो दूसरा दिन भी मार्केट में मौका मिलेगा। एक चीज देख रहे हैं, जब पॉजिटिविटी वापस आता है, फर्स्ट दिन आपने देखेगा कि मार्केट बहुत बुलिश हुआ लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी शायद मिस हो जाएगा, बट आपको मैं बोलता हूँ कि सेकेंड डे फिर से अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये जो चीजें है ना, मार्केट का गिरना अच्छा है, होने दो, जितना गिरेगा उतना जोर से। शेर जब दो कदम पीछे जाता है तो चार कदम छलांग भी मारता है। आप ये चीज लिख के रखो आज, ये जो पीछे जा रहा है हाँ, जितना डीप होगा होने दो, ठीक है। फिर फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक सब में, रिलायंस का शेयर गिर रहा है ना, गिरने दो, ले लो सर, भर भर के ले लो, अभी लेना है, कब लोगे फिर। मार्केट जो 26,300 में चला गया था वो बहुत ओवर वैल्यूड हो गया था, मार्केट को करेंट जोन में ही रहना चाहिए था। लेकिन क्या है ना, यही तो चीजें हैं, दुर्गा पूजा के टाइम पे चीजें ऐसे क्यों दाम बढ़ जाता है, बिकॉज वो बुलिशनेस है। अब दिवाली खत्म हो जाएगा, देखना मार्केट सूख जाएगा, नॉर्मल मार्केट का बात कर, तो ये तो होना ही है। हमें तो बस वो पर्टिकुलर मौका देखना, इसलिए जो लोग नया दुकान खोलता है वो ठीक दुर्गा पूजा दिवाली के पहले खोलता है, क्यों, वो बुलिश मोमेंटम का फायदा लेना चाहता है। तो वही ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। कोई भी नया दुकानदार, ये केशवपुर में बागेवाड़ी में मैं देखता रहता हूँ, ठीक दुर्गा पूजा से 2 महीना पहले दुकान खोलेगा, उसके बाद उसी मोमेंट में कुछ इनकम हो जाएगा और वो मोमेंटम में करेगा। हाँ बोलिए सर। বলছি তাহলে মার্কেট যা নামার নেমে গেছে এরপর আর নামবে না, তাই তো? মার্কেট যা নামার নেমে গেছে এ কথা আমি এখনো বলিনি বিশ্বনাথদা, আমি বলতে চাইছি মার্কেট এখনো কারেকশনে আছে, যেটা নন্দন যে টার্গেটটা, হ্যাঁ অবভিয়াসলি নন্দন যে টার্গেটটা দিয়েছে ওটাই ম্যাক্সিমাম যাওয়ার চান্স আছে এতটা। হ্যাঁ এখন তো তাহলে তো 1000 পয়েন্ট 2500 মানে 1000 পয়েন্ট, ঠিক আছে, ওটা ম্যাক্সিমাম যেতে পারে, এটা এখন আপকামিং এক সপ্তাহতে এই জিনিসটা বোঝা যেতে পারে। মানে আমি ওর মতো অতটা নেগেটিভ নই, বাট তবু ম্যাক্সিমাম যদি যায় 23,500 ও বলছে, কিন্তু আমি আজকে টার্গেট কত দিয়েছি জানো? কত দেখো, আউটলুক সাজেস্ট ফার্দার ডাউনসাইড পার্টিকুলারলি ইন মিড ক্যাপ এন্ড স্মল ক্যাপ স্পেসেস। তো মিড ক্যাপ স্মল ক্যাপ মে সেল জেনারেট হোনে ওয়ালা হ্যায়, ঠিক হ্যায়, অর ইয়ে চিজ অলরেডি আপ লোগ দেখ রহে হো। অন দি ইন্ডেক্স ফ্রন্ট দ্য নেক্সট মেজর সাপোর্ট ইজ 24,000, নিফটি কা বাত কর রহা হুম, ठीक है, निफ्टी वन ऑफ द मेजर ट्रिगर है मार्केट का। पोटेंशियल रेजिस्टेंस 24,725,000, बट 25,000 अभी भूल ही जाओ, 700 अभी बेस्ट है मेरे हिसाब से इन केस ऑफ ए रिबाउंड, ठीक है, इन केस ऑफ ए रिबाउंड। और एक चीज ये देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव ही रहेगा फिलहाल। डिसिसिव मूव 24,500 24,750 से अगर थोड़ा नीचे आ जाता है, किसी का ना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, किसका, विश्वनाथ ना, कि विश्वनाथ एक तो एक और दिन बैकग्राउंड ऑफ कुछ, हां असल में इशू ना, माने बॉडी दैट साउंड था के तो सब दैट प्रॉब्लम। 24,500 24,450 एटा नीचे यदि मार्केट चले जाए, मार्केट 24 এর দিকে যাওয়ার চান্স বেড়ে যাবে, সেটা আজকে হতে পারে কালকে হতে পারে, কিন্তু ফার্দার ডাউনগ্রেড এ মার্কেট উইক আছে, মার্কেট নেগেটিভ আছে, 24,000 যাওয়ার চান্স হাই, ঠিক আছে। मार्केट इमीडिएट रेजिस्टेंस माने माझे माझे जे बीच बीच में जो थोड़ा सा अपसाइड में जाएगा, 700 इसका मैक्सिमम चांसेस इज वेरी हाई कि 700 तक जाएगा। तो आप लोग जब मार्केट गिरे ना 24 में या 24,200 24,300 में परचेस कर सकते हो, क्योंकि वहां से वो 700 तक जाने का एक पूरा ट्राई लेगा, समझ रहे हो सर। मैंने अगर किसी को पुट पसंद नहीं है, कॉल पसंद है, ठीक है, उनके लिए बोलो नहीं, ठीक है, मुझे भी पुट समझ में थोड़ा कम ही आता है, मैं अभी थोड़ा बुलिशनेस पे ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। मैंने अगर आप मुझे मैंने बोलोगे कि सर आप किसको फेवर करोगे, कि बाई करने फेवर करोगे, मैंने कॉल बाई करने फेवर करोगे कि पुट, तो मैं मेरा पसंद है कि मैं कॉल बाई करना फेवर करता हूँ कॉम्पेयर टू पुट बाई। मैंने अब ये मैन टू मैन वेरी करता है। अब यही चीज तुम नंदन को पूछो तो नंदन उल्टा ही बोलेगा, बोले नहीं मैं पुट बाई करूंगा क्योंकि मार्केट गिरना मुझे ज्यादा समझ आता है। तो वो डिफरेंट माइंड सेटअप होते हैं, कोई गलत नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं है कि एकदम 100% सही है, बट हाँ मार्केट में सोचने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये सर करेंटली, अच्छा एक बात और, अगर मार्केट 24,700 या 650 तक पहुंच जाता है तो
तो आप समझ रहे ना कि वो रेजिस्टेंस के आसपास है, तो वहां से सेलिंग प्रेशर चालू होगा, माने अगेन यहाँ पर कॉल सेल करो या फिर पुट बाय करो, चांसेस हाई हो जाएगा, करेंट मार्केट जिस एंगल में चल रहा है, ठीक है, ये करेंट मार्केट ओवरव्यू है, समझ रहे हैं। बैंक निफ्टी एंगल से मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी एंगल में रिसेंटली एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड रुको, लिख रहे बैंक निफ्टी की निफ्टी बैंक, हाँ बैंक बैंक निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक लिखते हैं, क्यों आ गया। देखो बैंक निफ्टी एंगल से जितना समझ में आ रहा है, देखो ओवरऑल मार्केट अभी बैंक निफ्टी साइडवेज में है ना, मैक्सिमम बैंक का क्वार्टर रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें कोटक का रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं है, मैंने स्ट्रीट ने सोचा था कोटक और अच्छा करेगा, लेकिन एक चीज है कोटक बैंक के बारे में बात आया तो बोल देता हूँ कि कोटक बैंक इंडिया का नेक्स्ट सेकेंड हाईएस्ट बैंक बनने जा रहा है, चांसेस इज वेरी हाई, हाँ, जो आईसीआईसीआई का जगह था वो जगह छीन जाएगा सर, आईसीआईसीआई का करेंट लीडरशिप वैसा नहीं है, तो एचडीएफसी के सेकंड में कोटक ही आने का चांसेस अपकमिंग 4-5 इयर्स में कोटक ही खेल खेलेगा। टेक्नोलॉजिकल, हाँ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स बाकी से अच्छा है, ठीक है, और मार्केट में अच्छा बेस बना रहा है उसका, माने ओवरऑल कोटक का एक अलग जगह बनने वाला है, तो कोटक बैंक को आप लो में अगर मिल जाता है छोड़ना मत, ठीक है, अगर लोअर साइड में कोटक बैंक मिल जाता है तो सही बाइंग एरिया है। ये जो क्वार्टर रिजल्ट्स खराब हुआ है कोटक का, मैं उस दिन दिया था ग्रुप में, देखना मैं दो स्टॉक बोला था कि रिजल्ट्स के कारण एचडीएफसी, ये उसमें एचडीएफसी सुपर डुपर वो पहले ही आ गया था, एचडीएफसी सुपर डुपर हिट दिया, बट कोटक का रिजल्ट खराब हुआ तो सुपर डुपर नीचे आया, ठीक है, अब नीचे आया तो ये एक अच्छा चीज है, क्यों, और अगर थोड़ा करेक्शन होता है कोटक बैंक में बाइंग जोन बनता है, क्योंकि कोटक बैंक अगर आप लोग 4-5 साल के लिए भी होल्ड करते हो कोटक बहुत दूर जाएगा, क्योंकि रीजंस बता दिया मैंने कि वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक बनने के कगार में खड़ा है प्राइवेट बैंक, और उसका बिजनेस स्किल काफी अच्छा है, फर्स्ट में एचडीएफसी है, और अगर थोड़ा सा मैंने मॉडरेट बैंकिंग जोन में देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो पीछे से आ रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो थोड़ा अभी पीछे ही है, उसका कैपिटल उतना नहीं है, बट वो मैंने पीछे है थोड़ा, लेकिन जिस तरह से उसका ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम उसने अभी तक बनाया वो उसमें काफी जगह वो उसको मिलने वाला, तो अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अगर आपको कभी सस्ता में मिल जाए छोड़ना मत। कौन आईडीएफसी नहीं मिला रहेगा, इंडिपेंडेंट है। अच्छा तो बैंकिंग सेगमेंट्स में एक चीज और है, ये जो अपकमिंग सिचुएशंस में बैंकिंग सेगमेंट्स कुछ खेल खेलने वाला है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स 54,500 से, देखो नॉर्मल मार्केट भी गिरा है तो बैंक भी गिरा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ से अपकमिंग एक दो हफ्ता में क्या कुछ हो सकता है सर, मुझे थोड़ा डाउट है कि बहुत कुछ होगा बोल के, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी 51,219 से एकदम 53 चला जाएगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट हाँ क्वार्टर रिजल्ट अगर कुछ बैंक का अच्छा आ जाए और आगे जाके आरबीआई अगर थोड़ा रेपो रेट में कुछ चेंज करे, ठीक है, अगर थोड़ा घटाए तो ये अगला जो इंडियन बैंकिंग मैंने रैली है, ठीक है, वो बैंक उसमें लीडिंग होगा, और ये बात मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ। शेयर दाम बेसिस होंगे कनेक्शन, शेयर दाम करो बेसी बात कहो, শেয়ারের দাম বেসিক কমের সাথে কোনো মানে বিজনেসের কোনো ব্যাপার না, শেয়ারের দাম কিভাবে তৈরি করা হয় সেটা তোমাদের শিখতে গেলে ফাইন্যান্স শিখতে হবে, শেয়ারের দাম এমআরএফ এর শেয়ারের দাম বেশি মানে এরকম নয় কি এমআরএফ কোম্পানির কাছে অনেক টাকা আছে, মানে শেয়ারের দাম বেশি হতে পারে, শেয়ারের দাম বেশি সঙ্গে কোম্পানির বিজনেসের একটা টার্গেট কানেকশন থাকে, কিন্তু কারো শেয়ারের দাম বেশি মানে সে বেশি বা বড়, আর কারো শেয়ারের দাম কম মানে সে ছোট, এরকম কোনো ব্যাপার, মানে এটা কোনো তরিকা না বোঝা, মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনাল কনস্ট্রাকশন বলে, শেয়ারের দাম বাড়া কমাটাকে ইন্টারনাল কনস্ট্রাকশন বলে, আমি কত টাকা শেয়ারের দাম রাখবো প্রয়োজনে স্টকে, যে রিলায়েন্সের শেয়ারের দাম আর একটু পড়বে, বোনাস দিচ্ছে না, বোনাস দেওয়ার পরে শেয়ারের দামটা পড়ে যাবে, তো শেয়ারের দাম পড়ে গেলে তাহলে কি রিলায়েন্স তো ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট কোম্পানি, তাহলে ও শেয়ারের দাম 2,000-2,500 কেন,
হিসাব মতো তো রিলায়েন্সের শেয়ারের দাম 20-30 হাজার টাকা কম করে হওয়া উচিত। ওর থেকে কত সস্তা সস্তা কোম্পানি আছে, তাদের শেয়ারের দাম স্কাই রকেটিং, এরকম হয় না। ঠিক আছে, এটা একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেশন আছে, ক্যাপিটালকে রিকনস্ট্রাকশন করে তৈরি করা হয়। তো এরকম ভাববে না কি শেয়ারের দাম বেশি মানে কোম্পানি বিশাল হাইফাই, এরকম কোনো ব্যাপার। ঠিক আছে, তো ব্যাংকিং সেগমেন্টসে বেসিক্যালি মিডিল মিডিল একটু রিট্রেস ব্যাক দেবে যখন যখন ব্যাংকিং সেগমেন্টস রেজাল্ট ভালো করবে, আর মেন যে খেলাটা খেলবে সেটা রেপোর জন্য ওয়েট কর, ওটার জন্য টাকা রেডি রাখো। রেড কার্ড এর একটা চান্সেস হাই আছে, ঠিক আছে, ওটার জন্য রেডি থাকো। ওই সময় যেটা কামাবে সারা বছরের ইনকাম হয়, ঠিক আছে, তো একটু ওয়াচ করো, এখন একটু ওয়াচ করো। আমার আমার হিসাব থেকে এখন ট্রেডিং সাইকোলজি একটু ওয়াচফুল হওয়া উচিত এখন, মানে ফুটপাট সব বেশি বেশি পয়সা, অল্প অল্প খেলো, এক একটা লটে খেলো, অভ্যেস থাকা উচিত, ঠিক আছে, কিন্তু বেশি পয়সার জন্য ওয়েট করো। বেশি পয়সার জন্য ওয়েট করো না, যখন যখন মার্কেট সেন্টিমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে না তখন বেশি পয়সা লাগাবে, তখন পাবে, রিটার্নও পাবে। এখন ছোট ছোট রাখো, কারণ এখন ওয়াচফুল থাকা দরকার আছে। সে তো হবে, আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, ভোলাটিলিটি কম রয়েগা না, আচ্ছা ভোলাটিলিটি কম রয়েগা। আচ্ছা ও স্যার, ও স্যার, এই তুম লোক চালু হো গে ফির সে। পূর্ণিমা পড়াই নি করনা হ্যাঁ, বোল দেঙ্গে স্যার, সব আ যায়েগা মার্কেট ডিসে ডিটেলস, সব বোল দুঙ্গা কিসকা ক্যা রেট রয়েগা, কন সা আপডেট আপ লোগো কো নেই দিয়া জাতা, বাজেট চলতা হ্যায় উসকে বীচ বীচ মে ট্রেড করা জাতা হ্যায় কি ইয়ে হোগা ও হোগা, সব আপডেট মিল জায়েগা, ডোন্ট ভরি, ये सब चीजों के बारे में कंसर्न मत रहो। ठीक है, इवन बजट का भी एनालिसिस करके कौन से सेगमेंट में शेयर बढ़ सकता है, कौन से में क्या हो सकता है, वो भी बोला जाता है, हर चीज का अपडेट दिया जाता है, नहीं दिया जाता? तुम थे बजट डे में, बजट एनालिसिस पे, अगर होते तो पता चलता। ये वाला ना, हाँ, ये जो रिसेंटली गया है जून जुलाई, ठीक है, जो जो बोला था वो हर एक स्टॉक में वो इम्प्रूवमेंट दिया गया। हाँ बोलो, यस सर, कोई कुछ कह रहे हो, बोलो। पूर्णिमा का बिजनेस है, पूर्णिमा का हाँ, क्यों? पूर्णिमा का बिजनेस है पूछ रहे थे सर, उसका अपना केक 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 का केक केक का काम करते हैं पूर्णिमा, माने स्पेशल डेकोरेटिव केक ओकेशन वाइज आया था, अभी शायद दिवाली में दिया वगैरह भी बेच रही है। हाँ, वो करता है, वो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। अच्छा देखो, यहाँ से आज का मार्केट थोड़ा सा सुन लो, फिर हम लोग टॉपिक में जाएंगे। आज का जो मुझे दिखाई दे रहा है सर, मार्केट आज 23 तारीख ना, आज 22 तारीख, ये 23 तारीख, आज मार्केट अगर देखो गैप डाउन खुला है, गैप डाउन देने के बाद मार्केट अप्रोक्स 24,400 में ही आ चुका था, जो उसका सपोर्ट था स्टार्टिंग में। उसके बाद ওইটাই তো বলছি, 400 কাছে চলে এসেছিল, তাই না? কিন্তু সাস্টেন করেনি তো, না, তার মানে 400 সাস্টেন করেনি মানে ওটাকে 400ই ধরবো। তাহলে এখানে আসার পর মার্কেট আবার রিট্রেস ব্যাক করেছে, রিট্রেস ব্যাক করে इसका আপকামিং রেজিস্ট্যান্স जो है दैट इज 700, ये ट्राई करेगा जाने का, बट देखो अभी साइडवेज जोन में है, क्योंकि उसके बीच में एक जोन बना के चल रहा है। अगर थोड़ा सा बीच में मतलब, क्योंकि देखो अभी मार्केट पूरा वीक पड़ा हुआ है, थर्सडे एक्सपायरी है, उससे पहले बीच बीच में थोड़ा सा तो ये कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 700 में जाएगा तो वहीं पर रहेगा, नहीं रहेगा, उसका ओवरऑल जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ वो जाएगा, तो फिर वापस नीचे आएगा, ये चीज समझना जरूर है। तो ऐसे सिचुएशंस में पुट में या फिर कॉल सेल में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और अगर वो थोड़ा नीचे आता है, जैसे देखो ना, जैसे ही 400 में आया, मैं क्या बोला था, 400 सपोर्ट दिख रहा है, तो 400 में मार्केट आते ही सपोर्ट में चला गया, इसका मतलब क्या, और नीचे नहीं जाएगा। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो नीचे से उसको पकड़ लेता है, तो ये तो अच्छा जोन बन रहा था ना बाई के लिए। अच्छा, जो जो लोग ये वाला टाइम फ्रेम को मिस किया है, 9:45 में ये क्या दे रहा है, फिर से तो उसी जोन में आया है, फिर से देखो 400 में आके वापस। तो जब लगातार एक चीज एक ही जगह में बार बार घूम रहा है, उसको सपोर्ट ही बोलते हैं सर, लोअर साइड में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजी एंड एक्टिविटी।
इसका मतलब जब 400 में मार्केट है, ये आपका परफेक्ट एंट्री जोन बना है। आप आरएसआई लगा के देख लो, एमएसडी लगा के देख, मुझे तो लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है मैक्सिमम टाइम पे, क्योंकि मैं तो मार्केट साइकोलॉजी से ही आप लोगों को बोलता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लगाओ इंडिकेटर जो जो आप सीखे हो, जो जो आप लोग यूज करते हो, तो ये एकदम परफेक्ट था एकदम। और उसके साथ मॉर्निंग स्टार, सर आप कोई बोलेगा सर मॉर्निंग स्टार इसमें एग्जैक्ट तो नहीं है, सर है ये देखो, ये भी एक तरह का मॉर्निंग स्टार ही है। डाउन ट्रेड में रेड कैंडल फर्स्ट बड़ा वाला, दो दो, एक स्पिनिंग टॉप एक दो जी, और उसके बाद गैप अप देखे एक ग्रीन कैंडल। सो ये मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये जोन में आपको बाई नहीं करने को मिल रहा है तो आप बहुत बड़ा लॉस कर, सबसे बड़ा बात सपोर्ट में है, सेकेंड बड़ा बात प्रॉपर कैंडल स्टिक्स है बाइंग के लिए, और थर्ड थिंग आरएसआई एमएसडी सब सपोर्ट करेगा। आप लगाओ तो देख ले, मैं अभी लगाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे दूसरे चीज में जाना है, लेकिन लगा के आप देख ले। तो यहाँ पर एक अच्छा बाइंग जोन था। सर आगे का बताओ, सर आगे का मुझे दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी अपना एक मैंने क्या बोलेंगे मॉडरेट में है, अभी एवरेज जोन में है, ठीक है। यहाँ से टारगेट करेगा थोड़ा सा 600 650 जाने का, बट मुश्किल है, कोई ट्रिगर ना मिले तो इसी जोन में रहेगा। फिर कल के हिसाब से थोड़ा जब क्लोज होगा थोड़ा नीचे वापस आके ही क्लोज होगा, लाइक 450 ऐसा कुछ क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, ठीक है, देखते रहो। बट हाँ अगर आपको हाँ क्या है बोलो सर, आज कॉल के लिए फिर बाइंग जोन नहीं है तो सर एक एक मौका था यहाँ पर, ये मौका सर 9:45 के आसपास अच्छा मौका था कॉल के लिए। करेंटली ये जो सिचुएशन है इसमें मैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी होने से बोलूंगा, जब ये थोड़ा करेक्शन हो ना, मैंने ये जो जा रहा है ना ये थोड़ा सा गिरे ना, अगर एटलीस्ट 500 के आसपास आए वापस एक बाइंग जोन बन सकता है। मैंने इस तरह का अगर कुछ ट्रिगर आपको मिले, मैंने डबल टॉप डबल बॉटम टाइप का, ठीक है, या एमडब्ल्यू टाइप का जो होता है, उस तरह का होने से आप वहां पर बाई करो, अदरवाइज रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो करो, बट परफेक्ट जोन थोड़ा पहले चला गया। जैसे कल हम लोग क्लास खुलने के टाइम पे परफेक्ट एक जोन था, दिन का एक ही मात्र था सर जो कल हम लोग क्लास में बोले थे, आज का थोड़ा सा पहले निकल गया, मैंने परफेक्ट टाइम जो था एकदम, अगर उस टाइम पे क्लास खुलते तो शायद जरूर बोलते परफेक्ट था ये। अभी जो होगा ये बेसिकली एमडब्ल्यू पैटर्न पे चलेगा साइडवाइज में, थोड़ा गिरे एटलीस्ट 500 के 450 480 के आसपास आए तो वापस बाइंग बनेगा, 12 12:30 तक भी आ जाए तो भी बाइंग बनता है, लेकिन हाँ उस पे उसके बाद एक मोमेंटम देगा, फिर वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, वो फिर से गिर जाएगा। तो मौका मिलते ही लपेट लो और निकल गया, रेंज बाउंड, बेसिकली रेंज बाउंड, ओवरऑल रेंज तो आपको पता चल गया ना, अब आज का ट्रेड उस हिसाब से करो। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि जैसे पहले हो रहा था बुलिश मार्केट में, मार्केट अगर एक बार सेंटिमेंट मोमेंटम पकड़ लेता था तो आगे और रुकने का नाम नहीं लेता है, या फिर मार्केट नीचे आएगा तो नीचे चलता जाएगा, कैसे वैसा नहीं। ये मार्केट अभी रेंज बाउंड मार्केट है, वो दिन का एक दो बार एक अच्छा मौका मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो रेंज बाउंड सिचुएशन है, सर्टेन लेवल तक जाएगा, सर्टेन लेवल में आते देखो ना एक एक मिनट में कितना धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अच्छा है ये कॉमोडिटी मार्केट की तरह बिहेव कर रहा है कि पप्पू कॉमोडिटी मार्केट है वो तो बिहेव कर रहा है। ওইটাই তো ভালো, 5-7 দিনে প্রফিট তুলতে পারবে, স্টেবিলিটি থাকবে, যত মার্কেট স্টেবল হবে অত ভালো, ওরকম ওই 5-5 মিনিটে বড় লোক হয়ে করবে টা কারা আসবে, তো কমোডিটি মার্কেটে সবাই আসবে, সবাই আসবে কমোডিটি মার্কেটে আসতে বাধ্য, কমোডিটি মার্কেটে আসতে বাধ্য, কমোডিটি মার্কেট আসতেই হবে। আপনি গোল্ডে দেখুন না, আমি দুর্গাপূজার আগে আমার ক্লাস দেখুন, গোল্ডে আমি বলেছিলাম 75,000 গোল্ড ছিল, আমি ওই দিন কি ক্লাসে বলেছিলাম 1,000-2,000 দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে 75,000 বলা, গোল্ড মে বলা সারা পয়সা লগা
तुम दुर्गा पूजा के पहले वाला मेरा कॉमोडिटी का क्लास सुन लेना, ठीक है? बाय बाय, सारा पैसा लगा दो मैंने, बाय, ठीक है? सेल के केस में मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, ठीक है? अगर किसी का बड़ा अमाउंट लगाया मैंने, एक लॉट बड़ा, उसको गोल्ड में दो तीन चीजें होते हैं, एक बड़ा गोल्ड होता है, एक मीडियम गोल्ड होता है, एक स्मॉल होता है। तो मीडियम गोल्ड में कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट था 70-80 हज़ार का, जो ऑलमोस्ट 1 लाख हो गया, 1 लाख से ज्यादा थोड़ा। और जो बड़ा गोल्ड है उसमें अगर किसी ने 5 लाख लगाया तो वो 3.5 लाख, 3 लाख टका में बढ़ गया विद इन 1 वीक। हाँ, 8 लाख, 5 लाख बन गया 1 हफ्ता में हुआ पूरा खेल। और मैं पूरा श्योर शॉट था, मैं क्लास में प्रेशर देके बोला था पैसा है तो लगा। গোল্ডের দামটা মানে আপনার বেড়ে গেছে বলে আর মার্কেটটাও বেড়ে গেছে, তাই তো? গোল্ডের মার্কেট বেড়ে যেটা আপনার মানে আপনার কি বল ফেস্টিভ সিজন বলে আর কি, তাই তো? না না, ফেস্টিভ সিজন একটা কারণ, অনেক কারণ আছে, অনেক মানে ফেস্টিভটা তো জাস্ট একটা এরকম না, ওগুলো কমোডিটি ক্লাসেই বলতে পারি, অনেক ডিসকাশন থাকে, মানে ওগুলো মোমেন্টামই বলা হয়। মানে আমি বলতে চাইছি কমোডিটিতে আজ নয় কাল মানুষকে আসতেই হবে, যারা ইকুইটি তো থাকবেই, বাট কমোডিটি শিখলে তোমার অনেক অপরচুনিটি তুমি বুঝতে পারো। মানে কমোডিটি বুঝলে স্টকও বোঝা যায়, মজার ব্যাপারটা হচ্ছে স্টক বুঝলে কমোডিটি বুঝবো না, কিন্তু কমোডিটি বুঝলে স্টকও বুঝবো। কারণ একটা সোনা, একটা রূপো মানে সিলভার, একটা মেটাল, ঠিক আছে, মানে 4-5টা মেটাল আছে, ঠিক আছে, ন্যাচারাল গ্যাস, ক্রুড অয়েল, এগুলোর উপর তো পুরো ইকোনমি দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে আমি যদি ওটা বুঝি, আমি মার্কেটটা বুঝতে অনেক সহজ হবে আমার জন্য। কমোডিটিতে ট্রেড কেউ করতে না চাইলেও কমোডিটি নলেজ থাকলে তার জন্য মার্কেট বোঝা অনেক সহজ, ঠিক কিনা? আমি আমার কাছে পড়ার জন্য বলছি না, আমার কাছে নাই বা পড়ো তাতে অসুবিধা, কিন্তু পড়ে না চলুন। মানে কমোডিটিতে বেস ধরতে পারি, ওই বেসটা স্ট্রং হলে স্টকটা আর কি, এটা আমি, এটা এই কথাটা তো আমি একবার একবার বলি না, আমি বারবার বলি এই কথা, প্রথম দিন থেকে বলি, যখন অ্যাডমিশন করতে আসে কেউ তখন থেকেই বলি এইগুলো এইগুলো পড়তে হয়। অনেকে ভাবে কোর্স বিক্রি করবে বলছে, হ্যাঁ সে তো সব করবে, যে কোনো মানুষ নিজের জিনিস বিক্রি করার জন্যই বলে, এটাতে তো কিছু লুকোবার নেই, ঠিক আছে? কিন্তু কথাটা হচ্ছে আমি যেন যখন বোঝাই এই এই জিনিস হলে এই এই জিনিস হয়, এবারে আপনি যেরকম যেরকম সময় দিতে পারবেন ওরকম এরকম। আমার ক্লাস মানে বুঝতেই পারছিস, আমি যদি 4 মাস বলি তুই 6 মাস ধরে চলবি, কারণ দেখ এই যে আমি এতগুলো কথা এখনো বললাম, এগুলো সব আউট অফ সিলেবাস কথা বলেছি, আমার ক্লাস এই জন্য দেরি হয় না, আমি যে এই এক্সট্রা না সবাই বলে না, সবাই বলে না, আমি লিখে দিচ্ছি, কেউ বলবে না এত কথা, কেন বলবে? কোর্স কমপ্লিট করবে, নতুন ব্যাচ শুরু করবে, বেশি পয়সা পাবে, 3-3 মাসে ব্যাচ শেষ করলে সারা বছরে 4টে করে ব্যাচ হবে, তার বেশি পয়সা, এত কথা বলে কি লাভ আছে? আর এত মার্কেট টোকে ইকোনমিক্স শিখি ওর কি হবে? এটা আমি লিখে দিচ্ছি, আমি তোকে লিখে দেবো, গোটা ভারত ঘুরে আয়, আমার কনফিডেন্স বলছি না, গোটা ভারত ঘুরে আয়, যদি দু একটা তাস ছবি তুলে নিয়ে আস, হ্যাঁ তাহলে আমি প্রণাম করবো গিয়ে। আমি বলছি না বাজারে ভালো লোক নেই, কিন্তু খুব রেয়ার, খুব রেয়ার, প্রফিট মোটিভ লোকের সংখ্যা অনেক বেশি, স্বাভাবিক, ওটাই ভালো, বেশি ভালো হওয়া ভালো না, কদর নেই, বুঝেছিস তো? কদর নেই, বেশি ভালো হবে কোনো কদর, এই যে এত সেন্টিমেন্ট বোঝানো হয় এগুলোর কোনো দাম নেই। হ্যাঁ, 4টে ছোটখাটো ওই লাইন টানা শিখিয়ে দে, ঠিক আছে? ঠিকই বলছেন, এটা ঠিকই, মানে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তো, ঠিকই। চলো স্ট্র্যাটেজি মে চলো, রবি মার্কেট কা এক সেন্টিমেন্ট আজ কা বল দিয়া, আব দেখো হোতা হ্যায় কি নেহি হোতা হ্যায়, হোনে সে আচ্ছা হ্যায় নেহি হোনে সে অর আচ্ছা হ্যায়। अच्छा बी आर कॉल स्प्रेड पुट रेशियो बैक स्प्रेड, अच्छा हम लोग ये सब पढ़े थे सर, लास्ट दिन एक बी आर स्ट्रेटेजी पढ़े थे,
लास्ट दिन एक बियर फूड स्प्रेड कम आर्बिट्रेज बचा था। लास्ट दिन एक्चुअली क्या है ना, बार बार सारा पुलिस स्ट्रेटेजी हो रहा था, तो सबके दिमाग में चल रहा है मार्केट तो बियर है, तो एक बियर स्ट्रेटेजी मिनिमम होना चाहिए, इसलिए उस दिन मैं बियर स्ट्रेटेजी पढ़ा। अच्छा आज एक टॉपिक में जाएंगे सर, इसमें ये लगातार टॉपिक था, ये टॉपिक था सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, दोनों मिक्स करके था। इसमें सिंथेटिक लॉन्ग एक अलग था, ये बुलिश था, काफी अच्छा एक स्ट्रेटेजी था, बुलिश स्ट्रेटेजी, प्योर बुलिश स्ट्रेटेजी था, ठीक है। ये बुलिश में ही होगा सिंथेटिक लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब होता है बाय फर्स्ट सेल लेटर, शॉर्ट का मतलब होता है सेल फर्स्ट बाय लेटर। ये सिंथेटिक लॉन्ग का जस्ट एक बार याद दिला देते हैं आप लोगों को, पे ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है। सिंथेटिक लॉन्ग का पे ऑफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मानो आप जब मार्केट में ट्रेड ले रहे हो उस टाइम पे मार्केट से फॉर एग्जांपल अराउंड 7500 या 7400 समथिंग, ठीक है। इसमें मार्केट नीचे गिरेगा तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा, दैट मींस अनलिमिटेड लॉस होता जाएगा, और अगर मार्केट आगे बढ़ेगा तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक्चुअली बुलिश सेंटीमेंट है, सिंथेटिक लॉन्ग बने बुल, हाँ ऑलमोस्ट लाइक नेगेटिव पोजीशंस की तरह सिचुएशन है। लेकिन लेकिन ये उस दिन बोल दिया था मैं और फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा, बट इस केस में क्या है कि अगर आप मार्केट में किसी पर्टिकुलर डे में बुलिश हो तो आपका बुलिशनेस काम करता है और ये जो लॉस है ना, ये लॉस थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, माने लॉस अनलिमिटेड जरूर है बट रेस्ट्रिक्टेड सिचुएशंस के साथ है। नॉर्मल तुम नेगेटिव रहोगे ना पूरा ही चला जाएगा, इस केस में पूरा नहीं जाएगा, कुछ तो बच जाएगा। হ্যাঁ মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ওই এটা লাস্ট দিনকে কি ডিসকাশন হয়েছিল যেদিনকে এটা পড়েছিলাম সিনথেটিক লং, উস দিনকে ডিসকাশন ইয়ে থা কি জিস দিন মার্কেট সিনথেটিক লং বলে তো অনেকটা ক্যাপিটাল হ্যাঁ নেগেটিভ করতে সেটা হ্যাঁ টাকাটা হয়তো বেঁচে যাবে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে মার্কেটে একটা খুবই সুন্দর একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়ে যাবে। স্ট্র্যাটেজি মানে তো সুন্দর জিনিস, কিন্তু এটা নেগেটিভ যাওয়া হবে, অলমোস্ট সেম বিহেভ করবে, কিন্তু বুলিশে আমরা নেগেটিভ পারগোছ তাম কিন্তু কিছুটা বেটার পজিশন থাকবে নরমাল নেগেটিভ থেকে কিছুটা। হ্যাঁ তুই তুই টাকার দিকে তাকালে দেখ সব জিনিসই একটা প্রবলেম থাকে, টাকা মানুষের জন্য অলওয়েজ প্রবলেম, টাকা কম এটা অলওয়েজ একটা প্রবলেম, ওটাকে দেখে ভাবলে হয় না। কিন্তু এটা কোন ধরনের মার্কেটে বলেছিলাম, ধর বাজেট ডে আছে, ইলেকশন রেজাল্ট আছে, ঠিক আছে, এদিনকে আমেরিকার রেজাল্ট এর দিন মার্কেট খুব ভোলাটাইল থাকতে পারে, ঠিক আছে, তো এই ধরনের দিনে এই ধরনের ক্যান্ডেল গুলো ইউজ করতে হয়, ঠিক আছে। সিনথেটিকটা আরেকবার রিভাইজ করে নিবি, আমি ওদিনকে খুব খুব ভালোভাবে অ্যানালাইসিস দিয়েছিলাম। আচ্ছা সিনথেটিক কল পে অফ হয়ে গিয়া থা। আব চলো এক কনসেপ্ট থা সিনথেটিক লং কে সাথ, ইসকা নাম থা আরবিট্রেজ। আব ইসমে পহলে না মছলি বাজার কা বারে মে বাতা রাহা হুঁ, ফিশ মার্কেট আরবিট্রেজ, ঠিক হ্যায়, সিখ লো স্যার, আরবিট্রেজ বড়া কাম কা চিজ হ্যায়, ইভেন মিউচুয়াল ফান্ড মে এক ফান্ড ভি হোতা হ্যায় আরবিট্রেজ ফান্ড, ঠিক হ্যায়, অর সিরফ মিউচুয়াল ফান্ড কা ফান্ড হি নাহি, আরবিট্রেজ কে বারে মে অর এক চিজ চলতা হ্যায়, আপনে কলকাতা মে ভি চলতা হ্যায়, দিল্লি মুম্বাই সাইড মে অর জ্যাদা চলতা হ্যায়, চাঁদনি এরিয়া মে হ্যায় স্যার, আরবিট্রেজ ফার্ম হোতা হ্যায়। इनका काम बस इतना होता है, आजकल गवर्नमेंट ये सब चीजें बैन करना चाह रहा है। सपोज बीएसई में कोई पर्टिकुलर शेयर सस्ता है, उसको बीएसई में खरीद के एनएसई में बेचेगा और गैप जो है वो कम है, इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। मास्टर दे गया तब ज्यादा दिन 2 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा वो गैप कमाए, एकदम बिजनेस बुद्धि, ठीक है। और ये जो डिफरेंस चलता है ना बीएसई एनएसई के बीच में या दो एक्सचेंज के अंदर एक ही शेयर के ऊपर, वो बेसिकली टेक्निकल डिफरेंस होता है, माने बेसिकली मैथमेटिकल एरर होता है, और वो लोग वो मैथमेटिकल एरर का फायदा लेता है। दस पैसा बीस पैसा डिफरेंस आ गया, किंतु दस बीस पैसा डिफरेंस हो रहा है, खूब श्योर शॉट इनकम पर, कोनो रिस्क नहीं। क्या मार्केट बोला तो 700 उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब अगर 650-700 तक पहुंचेगा ना वो वापस वहां पे से गिरने का ही चांसेस हाई है, ऐसा नहीं कि 825 चला जाएगा, बहुत रेयर चांसेस, 25 जाने का चांसेस बहुत रेयर है। बोलना 700 टारगेट है, अच्छा
अच्छा देखो आर्बिट्रेज सीखो, अरे मार्केट का काम है आना जाना, पढ़ लो यार इन इजी वर्ड्स। मैं तो स्टार्टिंग में बोल दिया सारा बात, अब तो जाना आना उसका काम रहेगा। तुम बस देखो कि रेंज जो बताया जा रहा है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इसमें मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बस ये चीज है। अच्छा आर्बिट्रेज इन अपॉर्चुनिटी टू बाई गुड्स और एसेट इन चीपर मार्केट एंड सेल दी सेम इन एक्सपेंसिव मार्केट। आर्बिट्रेज शब्द का मतलब यही होता है, सस्ता मार्केट में खरीदो और महंगा मार्केट में बेचो। बिजनेस अगर किसी को करने का इच्छा है या कीड़ा है मन में, ठीक है, ऐसे बिजनेस करना आसान चीज नहीं है, काफी मेहनत भी लगता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है। लेकिन अगर बिजनेस करने का कभी भी किसी चीज में हो तो आप ऑलवेज सस्ता मार्केट ढूंढो और जहां पर बेच के पैसा मिलेगा उस मार्केट में बेचो, यही है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के लिए और कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, इफ एग्जीक्यूटेड वेल आर्बिट्रेज ट्रेड्स ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री बिजनेस है, नॉर्मल मार्केट से काफी रिस्क फ्री होता है आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट। लेट मी अटेम्प्ट टू गिव यू सिंपल एग्जांपल, अस्सुम आप कोस्टल सिटी में रहते हो, चलो हमारे वेस्ट बंगाल में कोस्टल सिटी है दीघा, ठीक है, अरे शंकरपुर सबको नहीं पता, तुम शंकरपुर जाते हो इसलिए शंकरपुर इज अ फिशिंग इंडस्ट्री है उधर, ठीक है, दीघा में फिशिंग इंडस्ट्री नहीं है, दीघा के पास में ही है 10 किलोमीटर दूरी में, लेकिन मुझे जो बोलना है मैं बोल दिया, मुझे पता है शंकरपुर बोलने से लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, तब तो मुझे कांथी बोलना चाहिए। कांथी माने कोंटाई बोल के एक शहर है ईस्ट मिंडापुर में, वो मछली का पूरा एकदम सूखा मछली एज वेल एज समुंदर वाला मछली कोंटाई, अब बेस्ट बेस्ट क्या नहीं है, मैंने फिशिंग इंडस्ट्री का लेवल है कोंटाई, ठीक है, तब तो मुझे कोंटाई बोलना चाहिए, मैंने उसको बंगाली में कांथी बोलते हैं, कोंटाई अंग्रेज लोग बोलते हैं, अभी भी स्टेशन में कॉन्टाई लिखा रहता है, ठीक है, एक्चुअली जगह नाम है कांथी। चलो छोड़ो, अब तुमको मैं जियोग्राफी थोड़ी पढ़ाने बैठू, देखो दीघा में आप रहते हो वहां पर फ्रेश सी फिश मिलेगा, हेंस द रेट एट व्हिच फिश इज सोल्ड इन योर सिटी इज वेरी लो, लेट से ₹100 पर केज। आपका नेबरिंग सिटी मानो दीघा से कोलकाता, और होता भी है दीघा से कोलकाता में मछली आता भी है, व्हिच इज 125 किलोमीटर अवे एंड ह्यूज डिमांड फॉर द सेम फ्रेश सी। However, in this neighboring city, the same fish is sold at 150 per kg. तो आप जो मछली दीघा में ₹100 के जी में ले रहे हो वही मछली आप कोलकाता में ₹150 के जी में बेच रहे हो, तो आपका श्योर शॉट प्रॉफिट कितना है, 50%, ठीक है, तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही घटना आर्बिट्रेज में होता है, ठीक है, तो बस इस चीज को समझना जरूरी है, देखो कैसे चीजें काम करता है। Given that if you can manage to buy fish from your city at ₹100 and manage to sell the same in neighboring city ₹150, then in this process you clearly get to pocket 50. Maybe you will have to account transportation cost. ये चीज थोड़ा सा देखना चाहिए, जैसे हमारे केस में ब्रोकरेज चार्जेस एंड क्या बोलते हैं इसको, ब्रोकरेज एंड सेवी चार्जेस मिला के जो पड़ता है, ठीक है, वो लग जाएगा, तो 50 में से अगर मानो 20% चला गया ट्रांसपोर्टेशन में तो आपको कितना मिलेगा, 30, and this is a beautiful deal and this is a typical arbitrage in the fish market. Chalo, ab machli bazar ko stock market mein badalte hain. Concept ko ek bar jaan loge na to stock market mein baat kuch alag nahi hai, bas stock specific ya index specific samajhna hai. Acha, think about it, if you can do this every day, buy fish from your city at 100 and sell in neighboring city 150, aap ₹20 towards expense and ₹30 per kg guaranteed risk free profit kama sakte ho. This is indeed risk free, provide nothing changes, but if thing changes, so will your profitability? जैसे कि no fish opportunity risk, माने assume किसी particular day में माछ मिला ही नहीं, किसी particular day में आपको fish मिला ही नहीं, then you realize there is no fish in the market, माने इसको अगर market के साथ connect करो तो किसी particular day में market में कोई momentum नहीं है, ठीक है, market sideways चल रहा है, तो कुछ वैसा है, तो दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू मेक ₹30, तो आप उस दिन आपको ₹30 जो कमाने का मौका मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, नो बायर, ठीक है, आप तो सेलर हो बट आपको उल्टा साइड में बायर नहीं दिख रहा है, तो लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, माने आप ₹100 से चीजें तो खरीद लिए बट आपको बायर नहीं मिला, कभी कभी किसी किसी शेयर में ऐसा होता है ना, लिक्विडिटी रिस्क होता है, सही, अगर टाइम गलत हो जाता है ना तो लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है, नॉर्मली स्टॉक में ऑप्शंस करोगे लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, स्टॉक ऑप्शंस माने
इंडिविजुअल शेयर्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने में लिक्विडिटी रिस्क होता है अगर सही टाइम पे नहीं किया। मैंने जैसे मानो मुझे याद है कि किसी एक शेयर में मैंने बोला था वोडाफोन आइडिया, मैं बोला था नेक्स्ट दिन अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो मैं बोला अर्ली मॉर्निंग ट्रेड के लिए। किसी किसी ने ट्रेड किया जब उसमें ये लग गया सर्किट लग गया कैप लग गया, सर्किट लगने के बाद तुम ट्रेड में घुस रहे हो और कुछ नहीं है, उस टाइम पे आपका पैसा फंस जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी रिस्क है। सही टाइम पे करो, मोमेंटम में करो, गलत टाइम में एंट्री करोगे बायर को सेलर नहीं मिलेगा, सेलर को बायर नहीं मिलेगा। इंडेक्स में नहीं होता है, निफ्टी में या बैंक निफ्टी जैसी चीजों में नहीं होता है, ये किस में होता है? स्टॉक्स में हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे कॉमोडिटी में हो सकता है जिसमें बायर सेलर कम हो। ठीक है, अच्छा बैड बार्गेनिंग, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क। समझाता हूँ बार्गेनिंग क्या होता है। जब हम लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं उसमें देखते हैं मार्केट डेप्थ होता है, दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर, जस्ट मैं क्लिक करो मार्केट डेप्थ में, हाँ ये देखो यहाँ पर, देखो मार्केट में ना एक बार्गेनिंग चल रहा है, देख रहे पप्पू देख छो ना कितु पर बोल बेटा बुझ लाऊंगा। बीड और आस्क चल रहा है ना, कुछ लोग बीड कर रहे हैं, बीड बने खरीदना चाहता है और कुछ लोग LIC में दिखा रहा हूं, आप किसी भी चीज में देखो, ठीक है, तो कुछ लोग बीट करके खरीदना चाहता है और कुछ लोग सेल करना चाहता है, तो सब कोई अपना अपना दाम दे रहा है। देखो ऑर्डर जनरेट कर रहा है, देखो कितना क्वांटिटी बेचना है, कितना क्वांटिटी खरीदना है, और एक्चुअली यही चीजें हैं जो इसका दाम को तय कर रहा है। अगर मैक्सिमम लोग जो दाम देना चाहता है या मैक्सिमम लोग जो दाम में खरीदना चाहता है वही रेट मार्केट में दिखाते हैं। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है मार्केट डेप्थ को समझना सीखिए, ये डिमांड सप्लाई है, बार्गेनिंग एरिया है ये। नॉर्मली स्टॉक मार्केट में तो हजार लाख लाख लोग कर रहे हैं लेकिन स्क्रीन में इतना लाखों चीज दिखाना पॉसिबल नहीं है, टॉप 20 बिडिंग दिखाते हैं, टॉप 20 बिडिंग दिखाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, मार्केट डेप्थ नहीं, बैड बार्गेनिंग, एग्जीक्यूशन रिस्क। सपोज आप 100 रुपए में मछली खरीदा, 150 टका में सेल करना था आपको, व्हाट इफ ऑन अ बैड डे यू इट हैपन कि मार्केट में दाम आपका खर्चा पड़ गया 100 की जगह 110 टका, तो 100 का चीज 110 में खरीदोगे और फिर मानो आपको सेल करना पड़ रहा 140 में और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 20, तो जहां पर आपका पहले आपको 50 मिल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 था, 30 मिल रहा था, इसमें क्या हो गया 30% आपका प्रॉफिट है, 20% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम नहीं कर सकते, तो 10 रुपए बचेगा। इसका मतलब ऐसे ट्रेड से थोड़ा बचना है। देखो मछली तो बस बहाना है, मैं आपको मछली नहीं दिखा रहा हूं, मछली तो बस बहाना है, पढ़ा रहा हूं आपको स्टॉकिंग कि कौन से ट्रेड में जाना चाहिए और कौन से ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। कॉस्ट हाई हो जाएगा, ट्रेड शायद सही है बट कॉस्ट हाई हो जाने से अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे एक्सपेंसिव हो जाता है वो भी नहीं बचेगा, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो ब्रोकरेज का चार्जेस होता है, सेबी का चार्जेस होता है, ये अगर ज्यादा हो जाए उसको भी दिमाग में रखते हुए ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो कमाओगे थोड़ा सा, सारा का सारा कॉस्ट में चला जाएगा, टाइम भी लॉस। कंपटीशन किक्स, हु कैन ड्रॉप लोअर, मार्केट में कंपटीशन है। जैसे देखो ना जो मार्केट डेप्थ में आपको दिखा रहा था, इसमें एक ही शेयर मार्केट में इसका दाम देखो कितना, लोग करेंटली LIC को कितना दाम में खरीदना चाहता है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितना ऑफर हो रहा है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहा है सर, बट अगर प्रॉपरली वॉच करोगे आपको पता चलेगा कि जो 916.95 या 85 पैसा, ये देखो मैक्सिमम लॉट साइज क्वांटिटी जितने दाम पे ऑफर किया जा रहा है और मैक्सिमम क्वांटिटी जितने दाम में सेल करने के बारे में बोला जा रहा है वही प्राइस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। अब कहने का मतलब इतना सा है सर कि हु कैन ड्रॉप लोअर, कौन कम दाम में बेचना चाहता है, अगर ज्यादा लोग कम दाम में बेच देगा ठीक है तो आपका प्रॉफिट भी गिर जाएगा। माने मार्केट में अगर कोई लोग जैसे अभी देखो LIC में 916.16 में कोई सेल करेगा, आप अगर 917 दाम दोगे और वो उसके पास अच्छा खासा क्वांटिटी है तो मार्केट ऑटोमेटिकली दाम गिर जाएगा। ये एकदम मछली बाजार ही बैठा हुआ है सर, आप लोग स्टॉक स्टॉक सोच के बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हो, माछ ही बिक रहा है इधर,
मैक्सिमम क्वांटिटी अगर कोई 900, ये देखो 918 में चला गया। आप लोग बोलते हो ना अप डाउन क्यों होता है, ये अप डाउन इसलिए होता है, ये जो मार्केट में जो डेली है जो फ्लक्चुएशन अभी जो दिखता है मार्केट, देखो ना अभी आपके साथ बात करते करते एक बार 916 में गया, एक बार 919 में गया, एक बार 918 में गया, तो ये जो अप डाउन इसका चल रहा है ना, ये कितना लोग कितना क्वांटिटी बाय करना चाहता है, कितने दाम पे करना चाहता है, कितना लोग कितना क्वांटिटी बेचना चाहता है, कितने दाम पे करना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करके एल्गोरिदम फिट है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, मार्केट उसका दाम डिसाइड करता है। अगर ओवरऑल मार्केट में दाम देने के लिए लोग रेडी है किसी पर्टिकुलर डे में कि भाई आज कुछ भी हो जाए LIC खरीदना ही है, ऐसे एक अच्छा बात है, LIC खरीद लो आगे जाएगा। हाँ सर, ये मार्केट गिरा बोल के LIC खरीद सकते हो, 900 पे इसका सपोर्ट है, 900 इसका सपोर्ट जो है, देखो हाँ खरीदने का टाइम है, इसका टारगेट मान सकते हो आप, मार्केट सही जाने से 1100 तो जाना ही चाहिए, 1300 तक जा सकता है एक साल एक डेढ़ साल, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना सर, ये जो डेली फ्लक्चुएशन जो मार्केट में चलता है कौन चलाता है किस लिए चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं हु कैन ड्रॉप लोअर। अगर कम नाम में मार्केट में चीजें बिकेगा, अगर कम नाम में मार्केट में चीज बिकेगा ठीक है, तो वो कंपटीशन रिस्क होता है, तो इन दैट केस आपका प्रॉफिट थोड़ा गिर सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा समझा दूं, पूरा दुनिया जो है ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सेलर हमेशा ज्यादा दाम चाहेगा, बायर हमेशा कम दाम चाहेगा, सो फार यू आर दी ओनली वन डूइंग दिस ट्रेड, द बाय फिश एट 100 एंड सेल एट 150, आप स्टार्टिंग में कोई नहीं था, सॉलिड प्रॉफिट कमाया, योर फ्रेंड ये चीज नोटिस किया, ठीक है, तो भाई बंदा तो अच्छा मछली बिजनेस करके कमा रहे हैं या फिर स्टॉक में अच्छा कमा रहे हैं, चलो हम भी आ जाते हैं। अब जैसे आपका दोस्त आ गया ये मार्केट और आप अकेले नहीं, हम मानो दोनों आप लोग, बोथ ऑफ यू बाय 100, ट्रांसपोर्ट 120 और अटेम्प्ट टू सेल इन द नेबरिंग टाउन, पोटेंशियल बायर आया, आप सेलर हो ठीक है, बायर आया, सी देयर इज अ न्यू सेलर सेलिंग द सेम क्वालिटी ऑफ फिश, हु बिटवीन द टू ऑफ यू इज लाइकली टू सेल द फिश टू द बायर। देखो मार्केट का एक अपना डिमांड होता है, आप लोग ये सब साइकोलॉजी समझो सर, मार्केट का अपना डिमांड होता है, पहले आप अकेले थे जो दाम देते थे वही दाम कस्टमर ले लेता था, अभी आप दो हो सो हर कोई चाहेगा कि पूरा दिन का चीजें खत्म करके जाए, अब आप में से दोनों में के बीच में ना कंपटीशन बन जाएगा कि कौन प्राइस को कम कर सकता है, कौन अपना लाइफ के साथ थोड़ा सैक्रिफाइस कर सकता है प्रॉफिट को, तो ऑटोमेटिकली दाम गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लियरली गिवन फिश इज ऑन द सेम क्वालिटी, buyer will buy it from the one selling fee of the fish, जो cheaper rate में देगा, as we want to acquire the client and therefore drop the price to 145, आप जो 150 charge कर रहे थे 5% गिर जाएगा, same चीज share में भी होता है, अगर maximum लोगों के पास shares हैं, market psychology काम कैसे करते हैं, अगर maximum के पास कोई particular share supply करने का है और market में demand भी थोड़ा बहुत create हुआ है, और अगर कोई जो लोग seller है वो लोग अगर कंपटीशन कर रहा है कि भाई मैं बेच के निकलूंगा मैं बेच के निकलूंगा, तो अगर जो छोड़ के निकलना चाहेगा तो वो कम दाम में आ जाएगा और ऐसे सिचुएशंस में मार्केट में चीजों का दाम गिर जाता है, मछली तो बहाना है। सेटाई तो बजाज जी सुन छो होता है सेटाई तो बजाज जी सुनचो होता है माचटा तो बहाना बार बार बोलती माचटा के একটা শেয়ার ভাবো মার্কেট ডেপথ তো দেখা দামের জন্য অত লোক ওখানে গিলবিল গিলবিল কি করছে শেয়ারের দামটা বাড়ে কেন শেয়ারের দামটা পড়ে কেন প্রত্যেক দিনের মার্কেট প্রত্যেক দিনের মতো ডেলির মাটির বাজার ডেলির মতো মাছের বাজার তো গেছো বাঙালি হ্যাঁ স্যার বাঙালি তো মাছ খাবেই না মাছের বাজারে গেলে দেখবে একটা সবসময় চহল পহল হয় লাস্টের দিকে যদি কোনো মাছ যদি কোনো মাছ লাস্টের দিকে যদি ভালো মার্কেট না থাকে সস্তা দামে দিয়ে চলে যায় কারণ মাছকে স্টোর করা যায় না পচে যায় তাই তো হ্যাঁ রিটেলার স্টোর নেই কর পাতা এসলিয়ে যো দাম মিলেগা এন্ড মোমেন্ট মে এসলিয়ে কুছ বায়ার এসে হোতে হ্যায় স্যার ও এন্ড মোমেন্ট মে মার্কেট মে জাতে হ্যায়
सस्ता मिल जाता है, अर्ली मॉर्निंग में जाएगा सस्ता नहीं मिलेगा। सब्जी में भी वही है, लेट करके जाएगा, लेट मार्केट में सब्जी मछली सब थोड़ा सस्ता मिलता है। सर क्वालिटी, सर अगर उसके अंदर से आप थोड़ा सा रिस्की, रिस्की है क्वालिटी में थोड़े हो सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डे में ऐसा हो सकता है कि आपको उस दिन मार्केट अच्छा नहीं चला तो सही चीज भी कम दाम में मिल जाए। यही चीज बोलने के लिए मैं आपको थोड़ी सब्जी और मछली मार्केट सिखा रहा हूँ। आप लोग सब्जी मार्केट में चले गए सर, हम लोग सब्जी सिखा रहे हैं। अरे नहीं, सब्जी नहीं सिखा रहे, मछली भी नहीं सिखा रहे। सेम चीज मार्केट में भी होता है, सही चीज जब प्रॉपर टाइम पे बिकता नहीं है और अगर एंड मोमेंट में आप सही दाम पे ले लेते हो, वही चीज आपको बाद में बड़ा फायदा देता है। तो आप एग्जैक्टली सब्जी मार्केट में जो एक नॉर्मल बिहेव होता है, मछली मार्केट में जो एक बिहेव होता है अच्छा बायर का, हो सकता है। अब जैसे धोरणी ने बोला कि रोज नहीं होता, भाई हम भी तो वही बोलते हैं, रोज मत करो, ट्रैक करो, सही दिन पे जाओ, फायदे में रहोगे। इलिश माछ जामाई षष्ठी के दिन खरीदने जाओगे, इलिश माछ ठीक है, हिलसा जिसको बोलते हैं, जामाई षष्ठी के दिन खरीदने जाओगे 700 का हिलसा, 2000-2500 का दाम लेके आओगे, या 1700-1800-2000, है ना। वही चीज तुम जामाई षष्ठी के दिन मत जाओ, नेक्स्ट दिन या उसके दो दिन बाद जाओ, वही हिलसा तुमको 700 में क्या 650 में भी मिल सकता है। गंदा चीज भी सस्ता में मत उठाओ, माने अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, सस्ता चल रहा है, मत लो, फंडामेंटल है, गंदा है, वो पास मार रहा है, ठीक है, पास मार रहा है। हाँ, अब तुम लोग फिर फिश में हो, मैं फिश पे बात नहीं कर रहा हूँ। तुमको क्या है, तो ये सब बात मत करो, वेजिटेरियन लोगों को ये सब बात मत करो। भेज लो, पूर्णिमा तुम मेरे साथ बात करो, एक बार खाना शुरू कर दिया, इन लोगों के बदमाशी में मत पड़ो। सुनो सुनो, देखो मैं फिश का बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि कोई चीज अगर सस्ता मिल रहा है, अगर वो टेस्टी नहीं है या फिर उसके बिजनेस पे वो वाला दम नहीं है, तो वो सस्ता भी मिले मत लो, सिंपल बात है। कभी लक फेवर कभी कभी कर जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन लक के लिए थोड़ी पढ़ने आते हैं, एनालिसिस के लिए आते हैं। मुझे याद है वोडाफोन आइडिया का शेयर्स, वो लोग एपीओ लाया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया था, 10% का करके दाम दिया था। मैं, मेरे को सब पूछा था सर क्या करना चाहिए, हम बोले देखो मेरे को दिख रहा है कि गेन हो सकता है, वो आईपीओ तरह जैसे आ रहा है, लेकिन होल्ड नहीं करना चाहिए, क्यों, उसका बिजनेस सड़ा हुआ हालत में है, और इसीलिए वो 10 से 16 में गया था, लेकिन उस टाइम पे गेन हुआ था, लेकिन रिसेंटली तुम देखो उसका शेयर बाद में भयंकर गिर गया, 8-9% में आ गया। होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सड़ा हुआ हालत में है, होल्ड नहीं कर सकते। इस चीज का मछली अगर एक मछली जो मछली का लोग ज्यादा पागलपंती है, बाई ज्यादा करेगा और सप्लाई अगर कम है तो दाम बढ़ जाएगा। जैसे हिलसा जिसके लिए बांग्लादेश से भी लाना पड़ता है, तो वो हिलसा का दाम इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट में यूनिक है, उसका डिमांड थोड़ा ऐसे ही नॉर्मल ही रहता है। मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन, सुन बेसिक एक डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ए तुम लोग सुनो, बात सुनो, तुम लोग बात सुनो, ये मछली से क्वेश्चन किया है, लेकिन आपको मैं ये मछली से नहीं शेयर से ही समझा दे रहा हूँ। जैसे वो बोल रहे कि सर डिमांड सप्लाई किसी चीज का दाम को कैसे रेडी कर सकता है, मैं 3 फॉर्मूला बोलूंगा जिंदगी भर याद रखना, ऐसे बहुत टफ चीज नहीं है, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। ऐसे तो हम लोग ये सब बातें इकोनॉमिक्स में करते हैं,
लेकिन आप लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी चीज का आप लोग जवाब देना, किसी चीज का डिमांड हाई है पर सप्लाई कम है या मॉडरेट है तो उसका दाम क्या होगा? किसी चीज का डिमांड लो है पर सप्लाई ज्यादा है तो उसका दाम क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। किसी चीज का डिमांड मॉडरेट है, सप्लाई भी मॉडरेट है, दाम क्या होगा? मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा ना कम। किसी चीज का डिमांड भी आई है, सप्लाई भी आई है, दाम क्या रहेगा? मॉडरेट ही रहेगा। अगर मछली मार्केट के हिसाब से बोलो, रुई कातला का जो मछली होता है हर साल मिलता है, साल भर मिलता है, साल भर लोग खाते भी है और मिलता भी है, इसलिए उसका दाम कभी तुम 200 टका से केजी ज्यादा नहीं देखो, ठीक है। लेकिन हिलसा साल में एक बार आता है, 2 महीने के लिए आता है, इसलिए उसका दाम ऑलवेज 4-5 हजार भी चला जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट शेयर में भी होता है। सीजनल बिजनेस है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आता है, उसके बाद बिजनेस में कुछ नहीं है तो वो बात भी नहीं है। अगर मिलेगा तो ना, बिजनेस में कुछ दम है तब ना, बिजनेस जिस टाइम पे फ्लो करेगा उस टाइम पे शेयर का ग्रोथ होगा, जिस टाइम पे फ्लो नहीं है उस टाइम पे शेयर में ग्रोथ भी नहीं। जो साल भर डिमांड क्रिएट करके रखता है, साल भर उसके शेयर में कुछ ना कुछ चलता है, जैसे रिलायंस, HDFC, साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ शेयर है साल में एक ही बार आता है, उस टाइम पे गेन दे के फिर चला जाता है, फिर चुपचाप हो जाता है, फिर से आता है, फिर गेन देता है, फिर चुप हो जाता है, ठीक है। ये तो मच करो, शेयर में देखो कौन से शेयर में ऐसा बिहेवियर है, ट्रेंड फॉलो करो, ठीक है, ट्रेंड फॉलो करो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का डेटा फॉलो करो, तुमको पता चलेगा कि किस टाइम पे मोमेंट दिया है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके रखो, पता चल जाएगा, सिंपल रूल है, ठीक है। समझ में आया ना, क्या नहीं समझा? सर एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा तभी होता है ना, प्रीमियम वैल्यू हो जाता है ना, जैसे मानो कोई पर्टिकुलर चीज 5 टका में मिल रहा था, अब ज्यादा डिमांड हो गया तो 5 में मिलेगा क्या? उसका ओरिजिनल वैल्यू 5 टका है, अब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो 5 में मिलेगा कि 10 में मिलेगा? 5 से ज्यादा। तो यही तो, ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा तभी चला जाता है, लेकिन फिर से 10 का चीज नीचे आ जाता है, क्यों? क्योंकि पहले जैसा डिमांड नहीं रहेगा या सप्लाई भी नहीं रहेगा तो दाम गिर जाएगा, यही तो बात है। इसको समझने का क्या है, माने यही तो बेसिक चीजें हैं। अपने आप को दुकानदार समझो, क्या समझो? दुकानदार, ट्रेडर, ट्रेडर हो ना आप लोग? अरे वही, ट्रेडिंग जब सीखने आ रहे हो तो उसी मेंटेलिटी के साथ आना है, एक दुकानदार की तरह सोचना है। ऐसा ना, सुनो, कंप्लीट करने दो, आर्बिट्रेज खत्म नहीं हुआ अब तक। आर्बिट्रेज का मीनिंग क्या होता है? वही तो बोल रहे तब से, इसको मारो रे। सस्ता जगह से लेना, महंगा जगह में बेचना, एक ही चीज। जैसे पूर्णिमा करते रहते हैं, बांगूर में चीजें महंगा है इसलिए किश्तपुर में खरीदते थे। हाँ, सॉल्ट लेक के लोग सारे के सारे, सुबह देखो ना, सारे लोग किश्तपुर में आते हैं और किश्तपुर के लोग जगतपुर जाते हैं। धरनी के जिधर घर है उधर, हाँ थोड़ा उस साइड में, वो और सस्ता है, सेम चीज, रोड है, सेम चीज, एक ही चीज तुमको सॉल्ट लेक में हाई रेट में मिलेगा, किश्तपुर में काफी मॉडरेट में मिलेगा, और वही चीज तुम जगतपुर में जाओ तुमको और सस्ता मिलेगा। फटाफट कंप्लीट करने दो आर्बिट्रेज, नहीं तो बोलेगा मेरे को आर्बिट्रेज समझ में नहीं आया। अच्छा, तो फिर किस तरह से शेयर का दाम गिर सकता है, इंडेक्स का वैल्यू गिर सकता है, ये पता चल गया ना, दाम क्यों गिर रहा है, ये रीजन है। अच्छा, नेक्स्ट डे आपका दोस्त ने प्राइस गिराया, 145 से 140 में गिरा दिया, ठीक है, तो आपको भी गिराना पड़ेगा ना। आपने 150 का चीज 145 किया, आपका दोस्त ने 140 में दिया, तो हाउ लो कैन द प्राइस ड्रॉप, कब तक प्राइस गिरेगा? इट कैन ड्रॉप टू ₹120 एटलीस्ट, जितना दाम पे तुम फिश खरीद रहे थे उतना, कॉस्ट ऑफ बाइंग फिश प्लस ट्रांसपोर्ट, माने ₹100 का फिश है, ₹20 का ट्रांसपोर्ट है, इट डज नॉट मेक सेंस टू रन द बिजनेस। अगर फिश खरीदने का दाम और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट मिला के
जितने का कॉस्ट है उतने का ही अगर तुम्हें बेचना पड़े और वो पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड करना चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस में रहना चाहिए, चेंज करो प्रोडक्ट, दूसरे बिजनेस पे आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर मानो वापस से डिमांड क्रिएट होता है, वापस से सिचुएशन ठीक होता है, करो। तो जब कोई पर्टिकुलर शेयर में तुमको इस तरह का अपॉर्चुनिटी और नहीं दिखेगा, उससे मूव ऑन करो, दूसरे शेयर में जाओ। बाजार है बाजार, शेयर मार्केट को शेयर बाजार ही कहते हैं, इसमें बाजार वाला दिमाग लगाना है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होने का कुछ मतलब नहीं है। बी ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब समझते हो, जमीन से जुड़ो, हवा में कुछ नहीं है, चार्ट चार्ट वगैरह सब हवा है। आई एम नॉट अगेंस्ट द चार्ट, बट लोगों को लगता है कि हम चार्ट जानते हैं तो हम सब जानते हैं, गलत जानते हैं। आप चार्ट जानते हो तो आप कुछ नहीं जानते, आप ग्राउंड रियलिटी जानते हो तो सब कुछ जानते हो, इसलिए हवा से बचो। आई एम नॉट अगेंस्ट यूट्यूबर, बट एक्चुअली लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, ठीक है, ग्राउंड से जुड़ो, ठीक है, ग्राउंड से जुड़ो। आपको उनका स्टैंड पॉइंट भी समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, माने मार्केट क्या कहना चाहता है, ठीक है। मार्केट में ना मैनिपुलेशन बहुत चलता है। अब देखो, आई होप ये जो डिस्कशन मैंने किया ये आपको इतना तो समझा दिया कि आर्बिट्रेज क्या होता है। अब आगे से कभी ये आर्बिट्रेज वर्ड आप बहुत सुनोगे मार्केट फील्ड में, तो आपको आर्बिट्रेज वर्ड कभी तंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वी कैन डिफाइन एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट ऑफ द फिश एग्जांपल, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग फिश इन टाउन बी माइनस कॉस्ट ऑफ बाइंग फिश इन टाउन ए इक्वल्स टू 20। मैंने एक जगह से 100 रुपये में खरीद के दूसरे शहर में 120 या जो भी मैं खरीद रहे थे 120 का 40 में, तो ये जो 20 टका है यही मेरा आर्बिट्रेज है। If there is an imbalance in the above equation, then we essentially have an arbitrage opportunity in all types of market, fish market, agri market, currency market. Same currency Indian market से change करके दूसरे market में बेच सकते हो। जो currency हम लोग ये भी जैसे commodity trading होता है वैसे currency trading भी सिखाया जाता है, वो भी मैं सिखाता हूँ। Already last year एक batch complete किया था, लेकिन इस साल इसलिए करेंसी का क्लास बंद करके रखा क्योंकि करेंसी में रिटेलर का पार्टिसिपेंट्स में थोड़ा दिक्कत है, अभी वो बैन करके रखा है, वो खुल जाएगा वापस आ जाना, ये काफी श्योर शॉट प्रॉफिट दिखाता है। अगर आपको करेंसी समझ में आ जाएगा आप बोलोगे हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, इतना आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी और इतना श्योर शॉट प्रॉफिट है। नहीं नहीं अगर फिर से सेम एंगल से चालू करे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 1,500-2,500-5,000 में बन जाता है। हाँ हाँ क्या सर, 15 पैसा 10 पैसा ही तो बढ़ता है। अरे सर सुनो, रजत जी बोल रहे हैं 10 पैसा 15 पैसा ही तो बढ़ता है सर, ये 10 पैसा 15 पैसा ही बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उसका ज्यादा बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। अगर आप देखते हो कि डॉलर के अगेंस्ट में रुपीस का वैल्यू 80 टका चल रहा है, कल अगर आप देखो कि 80 का चीज 90 हो गया, हम और आप ना रस्ते में कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे। हाँ क्योंकि हम लोग जो तेल खरीदते हैं, सिंपल बात है, हम लोग जो तेल खरीदते हैं वो तेल को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। आज हम लोग 80 टका करके इंपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर उसको 90 टका करके इंपोर्ट करें फिर आप लोग इधर रह पाओगे? हर चीज का दाम महंगा हो जाएगा, तो कटोरा लेके बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए 10 पैसा 15 पैसा ही होता है, चालू तो है, मार्केट इज देयर। रिटेलर के लिए थोड़ा सा बैन लगा के देखो, एक्चुअली क्या है ना, ठीक है सर, आप बोले कमोडिटी का नया बैच शुरू, कमोडिटी का चालू किए तो एक ही क्या क्लास सैटरडे को कमोडिटी के चुप रहे पढ़ भी स्टॉक मार्केट सच। अच्छा तो ये जो सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशंस आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ऑप्शंस आर्बिट्रेज का बात आ रहा है, ठीक है। अगर इतना देर से आर्बिट्रेज समझ गए, अब यहीं पर आपको ऑप्शंस आर्बिट्रेज समझना पड़ेगा।
arbitrage opportunity exists in almost every market. One needs to be keen observer of the market to spot it and profit from it. Typically, stock market based arbitrage opportunities or you lock in certain profits, small but guaranteed. Carry this profit irrespective of which directions the market moves. मतलब किसी भी तरह मार्केट जाए आप कमा सकते हैं. फॉर दिस रीजन आर्बिट्रेज ट्रेड्स आर क्वाइट फेवरेट विद रिस्क इंटॉलरेंट ट्रेडर्स. मतलब जिसको रिस्क नहीं लेना है वो ये कर सकता है, ठीक है. लेकिन आजकल ना सेबी ये जो डिफरेंस है इसको ना धीरे धीरे बंद करना चाहता है. ये जो दोनों मार्केट का जो डिफरेंस है ना इसको बंद करना चाहता है. तो इस एंगल से ये पुट जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर कभी सिखाया नहीं आपने. लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं रहने से आप ये कर नहीं सकते. सिंपल आर्बिट्रेज केस हियर इज द रूट ऑफ व्हिच लाई इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पुट कॉल पैरिटी. मैं समझाता हूँ. पुट कॉल पैरिटी थ्योरी ये बेसिकली एक बहुत ही लंबा बात है. इसके ऊपर ना पूरा एक मैथमेटिकल चीजें हैं, जरूरत पड़ने से बता दूंगा. बात कुछ ऐसा होता है, देखो पुट कॉल पैरिटी में कुछ ऐसा होता है. लॉन्ग सिंथेटिक लॉन्ग एक बाई करना है और शॉर्ट करना है फ्यूचर, ठीक है. माने एक तरफ बाई करो दूसरे तरफ, माने एक तरह का ना हेजिंग ऑफ हेजिंग कॉन्सेप्ट काम करता है. एक एग्जांपल, हाँ एक एक एग्जांपल देने से समझ जाओगे. हाँ हाँ एक्टर है, सेम स्टॉक होता है, माने सेम इंडेक्स पर सेम स्टॉक होता है. कॉल बाय करो और एकटा फ्यूचर शॉर्ट करो. ना ना सिंथेटिक लॉन्ग कॉल बाय हां कॉल बाय सिंथेटिक लॉन्ग এর যে স্ট্র্যাটেজিটা আমরা নিয়েছিলাম সেটা থাকবে, তার সাথে একটা ফিউচার শর্ট মানে ফিউচার সেল করো, ঠিক আছে. তাহলে এখানে সিস্টেম রয়েছে, একটা লং এটিএম কল বাই করতে হবে, একটা এটিএম পুট সেল করতে হবে, আর একটা শর্ট ফিউচার সেল করো. একটা ফিউচার সেল করবো, মানে সাপোজ নিফটিতে এটিএম, আচ্ছা যার এটিএম ওটিএম এর কনসেপ্ট কিন্তু একটু প্রবলেম আছে, অনেকের আছে যারা এখনো এটিএম ওটিএম এখনো বোঝেনি. ওই তোর কো বহুত পছন্দ হয় তো চুপ রে, কিতনা বার সুন ভাই. ये प्रॉब्लम किसको हो सकता है मैं बोल दे रहा हूं. ये प्रॉब्लम हो सकता है आज ओबीसी के नहीं आए, ओबीसी को हो सकता है. ये प्रॉब्लम मनोजीत को हो सकता है. तेरे को होने ठीक है. जिन लोगों को ये एटीएम ओटीएम में प्रॉब्लम है उसके लिए मेरा बैकअप क्लासेस दिया हुआ है करेंटली, जल्दी के लिए एक बार देख लो और फिर से मैं कराऊंगा ना तो और एक बार कर. एक सेकंड बेसिकली इस चीज में होता क्या है, ये चीज थोड़ा लंबा खींचेगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है. हेजिंग स्ट्रेटजी टाइप का है, माने ठीक है एग्जैक्टली हेजिंग है ये. एक कॉल ऑप्शन आप बाई कर रहे हो, लॉन्ग का मतलब बाई है, बाकी एटीएम ओटीएम का दिक्कत है, वो जिनका दिक्कत है वो बाद में समझ जाएगा. शॉर्ट का मतलब है कि एटीएम पुट को सेल करना है और एक फ्यूचर को सेल करना है. कुल मिला के आपका वैल्यू होगा जीरो, ठीक है. कुछ नहीं मिलेगा, जीरो पीएल, ठीक है. PL upon expiry by Bharatiya holding a long synthetic and short future should be zero. Why should the position result in zero PL? ये आंसर आपको put call parity के हिसाब से मैं next class में दे पाऊंगा, क्योंकि ये लंबा खींचेगा. ये पूरा एक ये इसको बोलते हैं ट्रेड बुक, जो NSE के साइड से मिल जाता है. ये ट्रेड बुक से डेटा को लेना पड़ता है, डेटा लेके ऑप्शन चेन में उसको डालना पड़ता है, फिर उसी ऑप्शन चेन का एक्सपायरी के ऊपर बेस करके हम लोग देख सकते हैं कि किस किस केस में मेरे को कितना फायदा हो सकता है. ऐसा नहीं कि जीरो होगा, एक्चुअली एंड ऑफ द डे आपको कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है. इसका कोई चार्ट है क्या? स्ट्रेटजी हो गया. हाँ ये आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी है, पुट कॉल पैरिटी की स्ट्रेटजी, ठीक है. स्ट्रेटजी में लियो ये देखो, इसमें तुम्हारा नेट पे ऑफ ना देखो, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट उठे. अभी तक मैं समझाया नहीं, जस्ट रिजल्ट दिखा लो कैसे होता है, ये मैं नेक्स्ट दिन समझाऊंगा आपको. चाहे मार्केट उठे चाहे मार्केट गिरे, ठीक है. नेट पे आपको आपको एक मिनिमम प्रॉफिट होगा,
ऑनलाइन में पूछ रहे हैं कि सर साइड वाइज में भी होगा, हर केस में होगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, अब चलो, अब तो मैं जस्ट आपको दिखाया कि क्या है, कैसे है, कल समझ, ठीक है? नहीं, जब तक इसके पीछे का मेथड नहीं बताएंगे तब तक हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पुट कॉल पैरिटी समझना है तब जाके तुम इसका समझ सकते हो, ठीक है? ये बहुत बहुत चर्चित एक कॉन्सेप्ट है, बहुत पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कैसे मौका अवेलेबल रहेगा मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है? ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है, बाकी चर्चा कल करते हैं। थैंक यू, कुछ नहीं बताएंगे। बाय सर। मोनो जी तो एक तो असुविधा हो भाई, तो क्लास बैकअप देवो ना, उगलो पुरले कवर रहा। ঠিক আছে, আমি তোকে বুঝিয়ে দেবো, আর আরো সবকিছু আমি আবার বেসিক্স থেকে করাবো, তো অসুবিধা খুব একটা নেই। ঠিক আছে, ওকে, চলো কাল মিলতে হবে, বাই বাই বাই। তুমি লোক না মাছলি বাজার বানা দিতে হো ক্লাস কো। अच्छा, आज का मार्केट कहाँ गया? यहाँ चार लॉस गया तो बात नहीं है। हाँ, अब उसमें पाँच करोड़ आएगा। तो दोनों लॉस नहीं होगी। देखो भाई, पैसा कमाने के लिए ना एक चीज दिमाग में रख लो, पैसे के बारे में चिंता करने से पैसा नहीं कमाया जा सकता।